हाय एवरीवन फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हो। आज मैं ये मेरा ड्रिल मशीन है, ये आपको मिलेगा रेस का, कैसे यूज करते हैं हैमर का ड्रिल मशीन है। मतलब अगर आपको ड्रिल मशीन लेना हो ना, आप इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपको ड्रिल मशीन के यूज आप चाहिए तो आप कैसे ड्रिल मशीन आपको ये ले सकते हैं, वही मैं आपको बताऊँ। देख सकते हैं ये हैमर का ड्रिल मशीन है, ये सबसे पहले इसको खोल देता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, ये है ड्रिल मशीन। मेरा सेट कर लेता हूँ मैं अच्छी तरीके से, उसके बाद ही मैं आपको दिखा दूँगा कैमरा अच्छी तरीके से सेट करके ले। दोस्तों ये देख लीजिए, ये हैमर का ड्रिल मशीन है। यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट है, ये देख सकते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये हैमर है, और अगर आपको दीवार के अंदर समझ होल मारना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका बीट की बात करूँ तो आप चारों बीट है, बस ये जो बीट है ना, ये बीट आप 8 नंबर का जो ग्रिप रहता है ना, 8 नंबर का ग्रिप, उसको यूज कर सकते हैं। ये 8 नंबर का ग्रिप रहेगा, अगर आप ये इसको आप ड्रिल मशीन में लगा दें, ये देख लीजिए, ये ड्रिल मशीन का ये है। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे आपको ये लॉक रहता है, ये देख लीजिए, इसको लॉक है, इसको आपको ये प्रेस करना है, देख लीजिए, ये प्रेस कर रहे फिर हो। और आपको निकालना हो तो भी इजी है, इसको ऐसे प्रेस करके आपको इसको निकालना है, देख लीजिए। सबसे पहले इसको ऐसे निकल के इसको लगाने के लिए आपको ऐसे नॉर्मल सा प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद निकालना हो तो आपको ये ऐसे 8 नंबर का जो ग्रिप रहता है उसको आप ये बिट यूज कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा बिट दिखा देता हूँ, ये जो बिट है ना, देख लीजिए दोस्तों, ये बिट यूज़ किया हुआ है, मतलब ये ड्रिल मशीन यूज होता है मैं तो, इसका ये जो बिट है ना, 6 नंबर का जो ग्रिप रहता है, छोटा वाला ग्रिप, राउंड प्लग जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। राउंड प्लग के लिए अगर ट्यूबलाइट लगाना हो, स्कटन लगाना हो, कुछ भी थोड़ा बहुत बारीक जो होल रहेगा ना, आप उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको भी आप सेम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं। हैमर का जो ड्रिल रहता है ना दोस्तों, वो उसका काम है, वो बहुत इजी कर रहा है, उसको होल मारने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहती, इजीली होल हो जाता है। ये बीट आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो बीट है ना, ये हम लोग फैन का जो हुक रहता है, फैन हुक, वो शार्पनर उसको बोलते हैं, शार्पनर, उसके लिए यूज होता है। ये देखिए बड़ा वाला, ये बीट, ये बड़ा वाला यूज हो जाता है, इसके लिए शार्पनर के लिए यूज कर सकते हैं। उसको भी सेम यही ट्रिक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसा आपको प्रेस करना है, नॉर्मल सा तो ये इजी हो सकता है। और ये आखिरी वाला जो बीट है ना, मैं आपको ये उससे थोड़ा कम भी है, कम साइज का है, ये शायद 8 mm का बीट है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 8 mm का, ये भी वैसा ही वही है फिट है, क्योंकि नॉर्मल होल आपको मारना हो तो, अगर 2 वायर के लिए होल मारना हो तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। देख लीजिए, थोड़ा बहुत अंदर से वो होल मार के वायर आपको बाहर निकालना हो तो इसके पीछे ये यूज़ हो सकता है। तो सेम ये ट्रिक है, ये देख लीजिए, तो बंद कर दिया उन्हें। सबसे पहले आप ये ड्रिल मशीन हैमर का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पे जो
ये जो ये है ना, ये यहाँ पे देख लीजिए, इसका अलग साउंड आएगा। ये देख लीजिए, ये हैमर का, ये हैमर का अलग रहता है, क्योंकि जो ये जो ये यहाँ पे जो ये किया है ना मैंने, ये देख लीजिए आप, ये दीवार पे हम लोग दीवार पे माया कर सकते हैं। अगर लकड़ी का आपको बीट लगाना हो, लकड़ी का, तो आपको ये वो यहाँ पे चेंज करना है। और लकड़ी का जहाँ पे सेम ऐसे ये आएगा, जो बीट रहता है ना वो सेम ऐसे आएगा, तो यहाँ पे उसका किट अलग रहता है, किट अलग रहेगा, सेम ऐसे बीट आ सकता है। ये साइज है, क्योंकि ये दीवार में लग जाएगा, तो लकड़ी का जो रहता है थोड़ा अलग रहता है, तो उसको भी सेम ऐसे ही प्रेस करके वो हो जाएगा। ये हैमर का ड्रिल मशीन आप लोगे ना, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो क्योंकि उसको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहती, वो ईजी काम होता है, फास्ट काम हो जाता है। इसकी वजह से ये मैं ड्रिल मशीन यूज़ कर लेता हूँ अपने काम के लिए। मैं कंसीट का काम किया कभी, कंसीट केसिंग का काम करने का, आप ये ड्रिल मशीन यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो प्राइस, हाँ तो दोस्तों, ये जो ड्रिल मशीन है ना हैमर का, उसका प्राइस है 3000 रुपये। 3000 में मैंने दिया था उसका, एक इलेक्ट्रिक शॉप से लिया था ये। अब आपके उधर यहाँ पे इसका ड्रिल मशीन का रेट क्या है मालूम नहीं। अगर आपको ड्रिल मशीन लेना होना तो हैमर का ही ले लीजिए, हैमर का अच्छा रहता है, उसका बेनिफिट अच्छा रहता है और काम फास्ट हो जाता है। ये नॉर्मल सा वीडियो था, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।